हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी फर्स्ट गेट जीके में एजुकेशन मैनेजमेंट का अगला टॉपिक सूचना तकनीकी कानून, एनआईसी संस्था नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, फिर आएगा राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना एनईजीपी, फिर आएगा एनईजीपी का क्रियान्वयन, फिर आएगी मिशन मोड परियोजनाएं जो कि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं सूचना तकनीकी कानून। 18 अक्टूबर 2000 को भारत में सूचना तकनीकी कानून लागू किया गया था तथा इस कानून में क्या लिखा गया था कि साइबर अपराध करने पर दंड दिया जाएगा। तो भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू हुआ था? 18 अक्टूबर 2000 को। और इसमें क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डिजिटल हस्ताक्षर और ईमेल को भी सूचना तकनीकी कानून के तहत मान्यता दी गई थी। वर्ष 2001 को भारत ने ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया था। या आप याद रखिएगा किस वर्ष को भारत ने ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया, तो 2001 को भारत ने ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया। वर्ष 2003 से 2007 तक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजनाएं चलाई गई थी। 2003 से 2007 तक भारत में कौन सी योजनाएं चलाई गई थी? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजनाएं चलाई गई थी। अब आते हैं अपने एनआईसी संस्था। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या थी? पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। केंद्रीय और राज्य सरकारों को आईटी के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराना ही इस एनआईसी संस्था का उद्देश्य है। और इसमें एनआईसी नेट द्वारा सूचना संप्रेषण होता है जो कि इनसेट प्रणाली पर आधारित होता है, उपग्रह प्रणाली पर आधारित है। इसमें एनआईसी नेट द्वारा सूचना संप्रेषण होता है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर में, जो कि इनसेट प्रणाली पर बेस्ड है। फिर आता है अपने राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एनईजीपी की फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा एनईजीपी का प्रारंभ किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इस राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना का प्रारंभ किया गया था। केंद्र सरकार ने 18 मई 2006 को 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 10 घटकों के साथ इस एनईजीपी का अनुमोदन किया था। कब किया था एनईजीपी का अनुमोदन? 18 मई 2006 को 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 10 घटकों के साथ एनईजीपी का अनुमोदन किया था। और वर्तमान में जो है इस एनईजीपी द्वारा 31 मिशन मोड परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। और ये मिशन मोड परियोजना क्या होती है अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी अगला टॉपिक आएगा इसके क्रियान्वयन के बाद, एनईजीपी के क्रियान्वयन के बाद। तो वर्तमान में एनईजीपी द्वारा 31 मिशन मोड परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब आता है अपना एनईजीपी का क्रियान्वयन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन। एनईजीपी का एग्जीक्यूशन जो है निम्न चरणों के तहत होता है, जिसमें पहला आता है सामान्य समर्थन मूल संरचना। इस सामान्य समर्थन मूल संरचना के अंतर्गत आएगा कि एनईजीपी कार्यक्रम के संचालन के लिए सामान्य समर्थन मूल संरचना की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल आया इसमें मूल संरचना में, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, स्टेट डाटा सेंटर एसडीसी ये भी पढ़ा था, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण गेटवे एनएसडीजी आदि ई प्रशासन की मूल संरचना के भाग हैं। फिर आएगा दूसरा चरण इसका प्रशासन। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निगरानी और समन्वय की व्यवस्था इस एनईजीपी में की गई है। फिर आएगा पीपीपी मॉडल, इसमें सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आधारित कार्यक्रम शामिल होते हैं। इस तरह एनईजीपी का क्रियान्वयन होता है। अब अपन देखते हैं मिशन मोड परियोजनाएं क्या होती है। राष्ट्रीय प्रशासन योजनाओं में अनेक मिशन मोड परियोजनाएं योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक शासन के एक पक्ष पर केंद्रित होती हैं। नेशनल गवर्नेंस प्लान में से अनेक मिशन मोड परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि किसके पक्ष पर केंद्रित हैं? इलेक्ट्रॉनिक शासन के पक्ष पर केंद्रित हैं। अब इस एमएमपी का अर्थ होता क्या है कि वह परियोजनाएं जिनके उद्देश्य, विस्तार और कार्यान्वयन, समय सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित है तथा इनके परिणाम और सेवा विस्तार मापन योग्य हैं, वो क्या कहलाएगी? मिशन मोड परियोजनाएं कहलाएगी। जिनके उद्देश्य निश्चित हैं, स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि इस योजना का ये उद्देश्य है, इसका ये परिणाम होगा, इसके माध्यम से इसका विकास हम चाहते हैं, और इसके परिणाम और सेवा विस्तार क्या है, मापनीय योग्य है, उनको मापा जा सकता है कि हाँ इसका क्या परिणाम रहेगा, वो क्या कहलाएगी? मिशन मोड परियोजनाएं कहलाएगी। ये फैक्ट याद रखना कि वर्तमान में राष्ट्रीय प्रशासन योजनाओं में कितनी मिशन मोड परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं? 31 मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें राज्य या केंद्र या फिर केंद्रीय राज्य की परियोजना में पुनः वर्गीकृत किया गया है। तो 31 मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वर्तमान में राष्ट्रीय प्रशासन योजनाओं में। फिर आता है
प्रत्येक राज्य सरकार की भी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार 5 मिशन मोड परियोजनाएं परिभाषित कर सकती हैं। प्रत्येक अगर राज्य सरकार चाहे किसी भी राज्य की, प्रत्येक राज्य सरकार विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अगर किसी उसकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं तो वो कितने मिशन मोड परियोजनाएं परिभाषित कर सकती हैं, 5 मिशन मोड परियोजनाएं परिभाषित कर सकती हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, एक तो 31 मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जा रही है राष्ट्रीय प्रशासन योजनाओं के अंतर्गत, और प्रत्येक राज्य सरकार भी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार 5 मिशन मोड परियोजनाएं परिभाषित कर सकती हैं, संचालित कर सकती हैं। अब आता है कि मिशन मोड परियोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं मिशन मोड परियोजनाएं। पहली आएगी एकीकृत MMP। एकीकृत MMP जो है मिशन मोड परियोजना, यह केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से संचालित योजनाएं होती हैं। केंद्र और राज्य साथ मिलकर इस एकीकृत मिशन मोड परियोजना को संचालित करते हैं। और एकीकृत मिशन मोड परियोजना के किस प्रकार कौन से प्रकार की होती है, पहली तो आएगी NSDG, राष्ट्रीय ई प्रशासन सेवा वितरण गेटवे, राष्ट्रीय ई प्रशासन सेवा वितरण गेटवे। और इसका उद्देश्य क्या है, आम आदमी के लिए सभी सरकारी सेवाओं को अपने इलाके में सुलभ बनाना। जो आम आदमी के लिए नॉर्मल सी जो सेवाएं होती है सरकारी सेवाएं, उन्हें अपने इलाके में सुलभ बनाना, उपलब्ध करवाना। दूसरी है ई न्यायालय, तीसरी होती है भारतीय पोर्टल, फिर आएगी चौथी ई व्यापार के लिए EDI, फिर आएगी ई प्रापण, ई ब्रिज और CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र। और ये CSC जो है ये NEGP की मूल संरचना का भाग है। कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की मूल संरचना का भाग है। इस योजना के तहत, एकीकृत मिशन मोड परियोजना के तहत 6 लाख से अधिक गांवों में फैले ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक इंटरनेट समर्पित कियोस्क बनाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, एकीकृत मिशन मोड परियोजना के तहत 6 लाख से अधिक गांवों में फैले ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक इंटरनेट समर्पित कियोस्क बनाए जा रहे हैं। एक कियोस्क की 5 या 6 गांवों को सेवा प्रदान करेगी तथा सितंबर 2006 से इनका देश में इनका प्रारंभ किया गया है। अब दूसरी आती है अपने केंद्रीय स्तर की मिशन मोड परियोजनाएं। इसमें आएगा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, बीमा, IVFRT, MCAI, UIED, पेंशन, पासपोर्ट, बैंकिंग और डाक, ये इससे रिलेटेड किसमें सम्मिलित होंगी, केंद्रीय स्तर की मिशन मोड परियोजना में संचालित होगी। फिर आता है इसके बाद राज्य स्तर की मिशन मोड परियोजनाओं में क्या क्या आएगा। CCTNS आएगा, जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली, इसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम एंड क्राइमनेस ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। फिर आएगा नगर पालिकाएं, फिर आएगी शिक्षा और फिर आएगी कृषि। तो राज्य स्तर की मिशन मोड परियोजना में होती है CCTNS, नगर पालिकाएं, शिक्षा और कृषि आती है इसमें। फिर केंद्रीय स्तर की मिशन मोड परियोजना में आएगी आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, बीमा, IVFRT, MCAE, UIED, पेंशन, पासपोर्ट, बैंकिंग और डाक। तो ये आपका हो गया सूचना तकनीकी कानून, मिशन मोड परियोजनाएं और NEGP कार्यक्रम। तो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वाला। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।